गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। सैमी प्रिया स्टाइल वर्ल्ड और मैं हूँ प्रियंका। तो आज क्या है, आज तो वैसा कुछ स्पेशल नहीं है, बट कल है हमारा स्पेशल डे। कल मेरा तीज का त्यौहार है, जो मेरा सबसे फेवरेट सबसे प्यारा त्यौहार है। और ये त्यौहार के लिए मैं पूरे 1 ईयर मतलब एक साल में इंतज़ार करती हूँ। तो आखिर का ये तीज का त्यौहार कल आ गया है और आज है 20 तारीख थर्सडे। और आज मैंने शैम्पू कर लिया है। आई नो थर्सडे को शैम्पू नहीं करते हैं, बट कल त्यौहार है, हमारे यहाँ नियम है कि तीज वाले दिन हम शैम्पू नहीं कर सकते, इसीलिए मैंने शैम्पू कर लिया। और एक चीज़ मैं बता रही हूँ, अभी कुछ दिन पहले मैंने हेयर स्पा का कुछ मैंने वीडियो ट्यूटोरियल डाला था, उसके बाद स्पा के एक दिन बाद मैंने शैम्पू किया था, उसके बाद मैं आज शैम्पू कर रही हूँ। और ट्रस्ट मी फ्रेंड, मेरा हेयर फॉल कंट्रोल हो गया है। इतना जो हेयर निकलता था आज इतना सा निकला है, लेकिन निकला है, मैं झूठ नहीं बोलूं, टू बी वेरी ऑनेस्ट निकला है, बट मुझे उसका रिजल्ट समझ में आ रहा है। अब तो मैं इसे मैं एक्चुअली परमानेंट नहीं कर पाती थी, टाइम नहीं हो पाता है, लेकिन अब मैं इसको करूँगी, क्योंकि हेयर भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे स्किन के साथ, तो ये करूँगी। तो मैं आज का ब्लॉग यहीं से स्टार्ट कर रही हूँ। और आज बहुत कुछ नया नया होने वाला है, बहुत कुछ अच्छा अच्छा होगा। अभी तो मैं नीचे जाऊंगी, मैं अपना एक वीडियो ट्यूटोरियल नहीं करती हूँ आज। आज मैं वो तीज का मैंने क्या क्या शॉपिंग किया है, क्या क्या मैंने तैयारी की हूँ, आज मैं उसका एक सोचती हूँ, आज एक शेयर कर लेती हूँ, आप सबको बता दूँ जब मैंने किस तरह से क्या क्या परचेस किया है। थोड़ा बहुत मैंने किया है ऑनलाइन से। और सबसे बड़ी बैड लक ये है कि मैं मेहंदी आज लगा नहीं सकती हूँ बाहर, क्योंकि यहाँ पर वेस्ट बंगाल में लॉकडाउन है, 2 दिन का लॉकडाउन है, थर्सडे एंड फ्राइडे, मीन्स आज और कल लॉकडाउन है, जिसके लिए हम कर नहीं सकते। लेकिन मैंने सारा सामान मंगवा लिया, कल ही मंगवा लिया था, क्योंकि मुझे पता था कि ये सब होने वाला है। मैंने मेहंदी भी मंगा लिया, जो रेडीमेड मेहंदी आती है ना, वो जो एक सिंग मेहंदी आते हैं, वो हबी जी लेकर आए हैं, तो उनको जो समझ में आया वो लेकर आए हैं। तीज स्पेशल, मे बी ये पार्ट 1 पार्ट 2 हो सकता है। तो मैं आज का वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। ऑल दी बेस्ट दिन से, एक अच्छे शुरुआत से, चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। बाय गाइज, मेरा शूटिंग हो गया है, मैंने वो कर लिया है, अब मैं ये मेकअप को रिमूव करूंगी। और आप देखिए, समायरा हेल्प कर रही है मेरा सब अनबॉक्सिंग के लिए, सैमी तो देखिए मेरा कैसे मेसी हुआ है, जस्ट सी, सब फैल जाते हैं एक शूटिंग के चक्कर में, ना सब कुछ फैल जाता है। अब मैं अपना फेस को जल्दी जल्दी रिमूव करूंगी और मन नहीं कर रहा है रिमूव करने की, इतना प्यारा लग रहा है। सच में मैंने ये फर्स्ट टाइम ट्राई किया है ये। मैं लुक्स तो लाइट्स में दिखाती हूँ आपको, मेरा घर में ना लाइट्स का प्रॉब्लम है, मैं देखती हूँ कुछ टाइम के बाद। गोरी लगती है तो आपको जलन हो रही है? मेरे को जलन नहीं हो रही, इतनी गोरी लगती है, सारा दुनिया का लाइट्स ऑन करके करती है। ठीक है, चलिए गाइस मैं मिलती हूँ अपना फेस रिमूव करके। मुझे बहुत कुछ काम करना है, खाना खाना है, सबको देना है, और सारा ये जो रूम हुआ है इसे मुझे क्लीन करना है, और फिर शाम को मेहंदी है रचने वाली हाथों में। ए समायरा, आपने डिजाइन निकाला कि नहीं? मुझे लगाना है एक हाथ से मैं ट्राई करूंगी, दूसरा हाथ में आप ट्राई करोगे। चलो गाइस मिलते हैं। ड्राई करूंगी,
मैं लंच करूंगी, लंच अभी तक मैंने नहीं किया है, लंच करने के बाद मैं थोड़ा सा रेस्ट करूंगी, रेस्ट करूंगी, शाम को चाय वाय बनाऊंगी, उसके बाद देखते, चलो बाय बाय, टायर्ड हो गई। तो मेहंदी टाइम, मेहंदी लगाने जा रही हूँ, एक हाथ में मैं लगाऊंगी और दूसरे हाथ में मैं सैनी से लगवाऊंगी। चलो स्टार्ट। ये है खपड़ी। खपड़ी के क्या करेंगी? खपड़ी खपड़ी के मुझे मेहंदी लगाना नहीं आता है, बट आई एम ट्राइंग। मेरे पास हम प्रोफेशनल है। छुट्टी लग रहा है, बट आगे का तो एकदम बेकार लग रहा है। आगे का सूख गया, बहुत सुंदर लग रहा है। ये तो मुझे करुणा लग रहा है। करुणा डिजाइन लग रहा है। मेहंदी लगाना है, सुखाना है, फिर रात को लास्ट फाइनल डिनर करना है, उसके बाद हम शायद 2:30 या 3 o'clock फिर से दोबारा उठूंगी। मीठा दही खाते हैं पूरे घर को खिलाते, उसके बाद कुछ भी नहीं खा सकते, नो वाटर नो फूड, कल सारा दिन उपवास रहना है। फिर नेक्स्ट हम हमें सैटरडे को भोर के 4:15 के करीब उठ के मुझे पूजा करना है, फिर मुंह में कुछ डालूंगी और पानी पीऊंगी, तो कल नो वाटर नो फूड। सुनिए, ये जो मेहंदी लगाया गया है, ये इसको सुखा कर आपको चहारने के लिए नींबू और चीनी लगाना चाहिए। पता है मेरी अम्मा, चलिए अब लगाइए मेरे को मेरे इस हाथ में। रेड रेड लगता होगा। और अभी बज रहा है 8:30 से ज्यादा हो रहा है। मैंने कैसे सेमी, मैंने 2 hours तो रखा होगा ना मेहंदी को। तो ये रहा, अब पता नहीं क्यों फेस इतना थकान से लग रहा है। तो हम लोग थोड़ा लेट गए, थोड़ा हम माँ बेटी हम लोग बात कर रहे थे इधर उधर का, और मैं एक्चुअली लैपटॉप में काम कर रही थी, मेरा ऑफिस का कुछ काम मैं कर रही थी, तो करते करते फिर सैमी आ गई, सैमी से बात करने लग गई। अभी हम दोनों ने डिनर नहीं किया है, इसके पापा इसके दादी सबने डिनर कर लिया है, हम लोग डिनर करेंगे और हमें जगना है रात को 2 बजे तक, क्योंकि फाइनल 2 बजे मुझे वो खाना है, मीठा दही और मन भर पानी पी लेना होगा, पूरा स्टॉक भर लेना होगा, और मेरा जो मेडिसिन वगैरह है बीपी का मैं मेडिसिन लेती हूँ वो लूँगी। उसके बाद मैं कुछ भी खा नहीं सकती हूँ, क्योंकि कल सारा दिन उपवास रहना है, और मैं सीधे लूँगी कुछ भी खाना रहेगा। मैं सैटरडे मॉर्निंग भी नहीं कहेंगे, 4 o'clock का नहा वहा के पूजा करके मुझे खाना रहेगा, उपवास सुनना रहेगा। तो अभी थोड़ी देर में हम लोग खाना खा लेंगे, 9:30 तक खाते खाना, ठीक है, 9:30 तक खाना खाते हैं, खाना खा कर फिर देखती हूँ, कुछ एडिटिंग वगैरह करूँगी अपना भी, ऑफिस का काम मेरा हो गया है, मैं शाम से लेकर बैठी थी, हो गया है काम। उसके बाद चलिए मिलते हैं, हो सकता है रात को मिलते हैं, और रात को मिलके मैं आज का वीडियो एंड कर दूँगी, फिर मैं कल से एक अपना नया ब्लॉग स्टार्ट करूँगी, तो ठीक है, हो सकता है उस टाइम सैमी सो जाएगी, सैमी से नहीं मिल सकते हो, ठीक है, तो बाय कर दो, मिलते हैं। और ये बाली मैंने पहन लिया है, ये पहनना पड़ेगा क्योंकि ओकेशन है, पहनना पड़ेगा, हमें पहनना पड़ता है। फ्रेंड्स, रात हो गई है, टाइम हो गया है, ऑलमोस्ट 2:30 के करीब हो रहा है, और मैंने दही, ये है दही, मैंने जो ऑलरेडी एक दिन आगे मंगवा लिया था, मुझे पता है लॉकडाउन में कुछ होगा नहीं, अब ये दही को मैं निकालूंगी, सबको उठाऊंगी, सर्व करूंगी, हबी को सैमी का पता नहीं, उसको नहीं डिस्टर्ब करूंगी, उठ गई तो अच्छा है,
मम्मी को सबको देख कर, फिर मैं खाऊंगी, पानी पीऊंगी, उसके बाद मैं सो जाऊंगी। और मैंने अभी तक चेंज नहीं किया, मैं उस अभी थोड़ी देर के लिए थोड़ा आँख लग गई थी, फिर मैं उठ गई, अलार्म लगा के रखी थी। तो फिर मैं आज का वीडियो मैं यहीं पर कंप्लीट करती हूँ। तो मिलते हैं हम अपने नए वीडियो में एक नई शुरुआत के साथ। टिल देन बाय, गुड नाइट।